आरती पूजा जिस घर में होती है, श्री रे गुरुदेव रोज आते वहां, मेरे गुरुदेव रोज आते वहां। सतगुरु इतनी ऊंची हस्ती है, सतगुरु इतनी चढ़े जाती मस्ती है, जिसके नाम से चढ़े जाती मस्ती है, वो ऐसा मस्त। प्रणाम जी, सभी को राम राम। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मेरे साथ आप शुक्राना गुरु जी का ये स्वरूप देख रहे हैं, भगवान भोले शंकर जी के साथ जो विराजमान है, उस स्वरूप में से लगातार एक चमत्कार हो रहा है। और वो चमत्कार हो रहा है कि उस स्वरूप से लगातार शहद निकल रहा है। और जब से ये चमत्कार हुआ है, कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं दर्शनों के लिए। और जिनके घर पर ये चमत्कार हो रहा है, ये घर जम्मू के लास्ट मोड़ में है। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। इस समय मैं एक परिवार में हूँ और यहाँ पर इस घर में चमत्कार हो रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपने हमारी वीडियो में देखा था कि अखनूर में भी एक घर में भगवान कृष्ण जी अपने बाल रूप में लीला दिखा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा रहे थे, प्रसाद पर बैठ रहे थे। तो हमने वो वीडियो आपको दिखाया था, तो कई सारे लोग वहाँ पर जाना शुरू हुए थे दर्शनों के लिए। अब इस घर में चमत्कार ये हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ महीने पहले ही शुक्राना गुरुजी की तस्वीर यहाँ पर लाई और उनको मानना शुरू किया। और एक दिन पहले इन्होंने देखा कि उस तस्वीर से कुछ कुछ निकल रहा है, कुछ लिक्विड सा कुछ टपक रहा है। तो बाद में जब पता चला तो वो शहद है। हालांकि कल जब यहाँ पर कई सारे लोग आने लगे दर्शनों के लिए, तो कुछ देर ये चीज़ बंद हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार ऐसी चीज़ें जो है दर्शन देना बंद हो जाती हैं जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो लेकिन उसके बाद फिर से जो है ये शहद यहाँ पर निकलना शुरू हो चुका है। मैं एक बार आपको वीडियो में दिखाऊंगा, आप खुद देखिए वीडियो में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी वीडियोस में कई लोग आ जाते हैं अपनी तरफ से ज्ञान बांटने, और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, गलत है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, ये तीन जो कटोरियाँ हैं, इन तीनों कटोरियों में जो आप देख रहे हैं ये शहद है जो इस तस्वीर में से निकल रहा है। ये तस्वीर शुक्राना गुरु जी की तस्वीर है। और जिनके घर में ये चमत्कार हुआ है उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। और कुछ लोग भी यहाँ पर आए हैं जो दर्शनों के लिए आ रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है थोड़ा? रंजन कुमार। तुस कदों दा मंदे हो गुरु जी नू, और के पता लग गया थानू कि इस तरह कुछ चमत्कार हो रहे हैं? चमत्कार तो मैं ये ना कि गुरु वर्ष 2 महीने हो गए था। अच्छा, 2 महीने पर तस्वीर थोड़ी आई, इतने लगी है बस। तो वैसे पूजा थोड़ी बहुत करते हैं, बाकी उन्हें ज़्यादा मेरी चौड़ी पूजा सानू आती नहीं है। बस जो मंत्र चढ़ाया वो गुरु का वो ही पढ़ते हैं बस। आपका क्या नाम? सोनिया शर्मा। सोनिया जी, आपने मानना शुरू किया, थोड़ा सा बताएंगे कि शुरुआत से कब से आप? सबसे पहले मैंने ये अमेज़ोन से ऑर्डर की थी, इनका स्वरूप मैंने ही ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। अच्छा। उसके बाद जैसे ही हमने घर पे लाया तो दूसरे दिन बाद मम्मा की डेथ भी हो गई थी, हमारे मम्मा बीमार थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो हम सत्काले हो गए थे, हमने लगानी नहीं थी फिर गुरु जी की स्वरूप को। तो उसके बाद हमने क्या किया, इनको अलमारी में रख दिया। तो थोड़े दिनों के बाद मामा मामी जी जो आए हुए थे अफसोस करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को ये तस्वीर दे दो आप, इनका स्वरूप दे दो मेरे को। तो मैंने बोला कि आप ले लो, मैं और ऑर्डर कर लूँगी। तब हमें इतनी जानकारी नहीं थी इनकी कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद वो अपने साथ ले गए लुधियाना में, 5 दिन के बाद वो अपने साथ ही ले गए स्वरूप को। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, 5:30 बजे सुबह फ़ोन आता है मेरे को कि सोनिया गुरु जी की स्वरूप है ही नहीं है बैग के अंदर। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सामने आपने स्वरूप इनका डाला बैग में, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कहते नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा, ऐसे मेरे को ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या हो गया मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो आप ध्यान से देखो, आगे पीछे रख दी होगी आपने गलती से। कहते चलो ठीक है। फिर हम भी अपने घर पे सारा आगे पीछे देखा, हमने सारा ढूंढा पर हमें भी नहीं मिली। फिर मेरे मम्मा आए थे,
तो उन्होंने जैसे ही माइक्रोवेव खोला, माइक्रोवेव के अंदर से निकली इनकी। जो तस्वीर, जो स्वरूप आपने किसी को दिया था, वो वहाँ से वापस आपके घर में अपने आप आ गए? जी जी, माइक्रोवेव में निकला वो, वापस आ गया। चमत्कार वही हुआ। तो फिर भी हमने सोचा कि शायद से उनसे रह गई होगी, फिर भी हमने माना नहीं, क्योंकि हम ऐसे कैसे मान सकते कि। तो उसके बाद हमने क्या किया, वो माइक्रोवेव से निकाली, हम ना रहे वहाँ पे, बाहर LCD लगी हुई है, LCD के ऊपर हमने फिर से दोबारा स्वरूप इनका रख दिया, बिना फ्रेम के था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये स्वरूप अपने आप ही सोफे पे आ गया, दो गद्दियाँ लगी हुई थी, स्वरूप उनके ऊपर ही आ गया सीधे, जैसे अपने आप ही। हमने सोचा कि चलो चलो, ये तो फ्रेम के बिना शायद हवा से नीचे गिरी होगी, छोटी ने माना नहीं हमने, छोटी ने रख दिया होगा, अपने नीचे गिरी होगी तो ये रख दिया होगा सोफे पे, हमने तब भी नहीं माना। हमने फिर मैंने इनको बोला, आप ना फ्रेम करा के लाओ, शायद ये हवा से नीचे गिर रही है, बार बार स्वरूप इनका नीचे गिरी जा रहा है, तो आप फ्रेम लाओ इनका करवा के। इन्होंने जैसे ही फ्रेम लगाया, तो हमने LCD के साथ छोटा सा कील लगा हुआ है वहाँ पे लगा दी इनको, वापस से जैसे लगाई, हम काम शाम खत्म करके जैसे ही अंदर जाने लगे, जैसे ये सोफ़ा है, यहाँ पे पापा बैठे हैं, साथ ही में बेड है, बेड के पास अपने आप ही इनका स्वरूप बेड के साथ ही पिल्लो पड़ा हुआ था बड़ा वाला, उनके साथ ही लगा हुआ था। तो मैंने जैसे ही अंदर आई, मैंने कहा पापा आपने ये नीचे क्यों उतारी? पापा कहते किसको? मैंने कहा फ्रेम को आपने नीचे उतार दिया। पापा कहते मैंने तो कुछ नहीं किया। जैसे ये साइड पे देखे, कहते ये कैसे आ गई यहाँ पे? हम खुद हैरान हो गए, फिर भी हमने यकीन कैसे कर सकता बंदा। हमने कहा चलो रखी होगी, किसी ने तो रख दी होगी, हमने फिर भी यकीन नहीं किया। लेकिन जब हमने यहाँ पे इनको स्थापित कर दिया अपनी जगह पे, शायद ही अपना आसन ग्रहण करना चाहते थे, तो हमने यहाँ पे इनको आसन दे दिया। तब से कहीं पर नहीं गए, कहीं पर नहीं आगे पीछे हुए, यहीं पर रुके हुए हैं। शिव जी के साथ इनको हमने दे दिया हुआ है इनका आसन। तो उसके बाद कल की परसों की बात है, पापा शाम को पूजा कर रहे थे, तो मैं इनको वीडियो दिखा रही थी। मैंने कहा पापा ये देखो, कलंडर से रुद्राक्ष निकल रहे हैं, लॉकेट निकल रहे हैं गुरुजी के, अमृत वर्षा हो रही है। तो मैंने कहा, मैं ऐसे ही मजाक ले रही थी एक किस्म का, मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं इनके बारे में, तो मैं पापा ऐसे मजाक कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी करो करो, इनके ऊपर भी थोड़ी कृपा करो, तो देखो ना 2 महीने से आपके पीछे लगे हुए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, 108 बार सुबह शाम आपका मंत्र जाप करते हैं। तो अचानक से मैं वापस चली गई किचन में, तो जैसे ही वापस आई तो पापा इधर बैठे हुए थे। फिर मैं इनको, मैं माथा टेकने स्टार्ट होगी इनको, गुरुजी को माथा टेकने स्टार्ट हुई, मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कि पानी किसी ने इनके ऊपर फेंक दिया हुआ है। तो मैं पापा को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जैसे ही कंप्लीट हुई, फिर मैंने पापा को बोला, पापा एक मिनट चेक करना ये क्या चीज़ है। तो पापा ने जैसे ही हाथ लगाया नीचे, तो शहद निकलना स्टार्ट हो गया था जी। तो उसके बाद पापा ने टेस्ट करके देखा, शहद था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके और निकलना स्टार्ट हो गया। फिर हमने सबने वीडियो शीडियो बनाई इनकी कि हाँ भाई हमारे घर पे ऐसे ऐसे निकला, तो बस यही हुआ। उसके बाद रात के टाइम 12:30 बजे के बाद ये बंद हो गया था। सुबह 5 बजे भी हमने उठ के देखा कि शायद निकल रहा, फिर भी नहीं। सुबह 7:30 बजे फिर से स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको कितना लकी मानते हैं कि आपके घर पे पहले ये चमत्कार हुआ और फिर उसके बाद ये अमृत वर्षा, हमसे अमृत वर्षा कहेंगे हम। हाँ जी हाँ जी, ये अमृत वर्षा हुई है हमारे घर पे, तो हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं, गुरुजी का, बाकी संगत का भी जो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इनके दर्शन करने आ रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि यह हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है, इन्होंने हमें ब्लेस्ड किया हुआ है, तो बस यही कह सकते हैं। हमारी जो श्रद्धालु यहाँ पर इनके दर्शन करना आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनको कहूँगी आप आएं, दर्शन करें। हमारा घर यहाँ पे लास्ट पटेल नगर लास्ट मोड हाईवे पे छोटा सा पीर बाबा बना है, सामने गोल्डन फर्नीचर की गली में आ जाओ सीधे, 2nd नंबर डोर है, ब्लैक कलर का जी। ये मैं आपको बता दूं कि इनके घर पे ये अमृत वर्षा हुई है, और ये बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घरों में ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अखनूर में भगवान कृष्ण जी बाल रूप में वहाँ पर दर्शन दे रहे थे, और अब यहाँ पर जो है शुक्राना गुरु जी जो है अमृत वर्षा इनकी हो रही है शहद की। यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो यहाँ पर आ रहे हैं इनके घरों में और आशीर्वाद ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कामनी बख्शी है, मैं गांधीनगर लास्ट मोड से बोल रही हूँ। आप कब से मानते हैं गुरु जी को? मैं इनको 9 साल से मानती हूँ, 9 साल से हमारे घर में स्वरूप है इनका। तो मेरा बेटा दिल्ली में गटोरनी में मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग करता था, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में ना इनके कमरों में, इनके हॉल में, इनकी एंट्रेंस में गुरुजी के बड़े बड़े फोटो लगाए हुए थे। तो जब बच्चे पहले गुरुजी को मानते नहीं थे, किसी गुरु को, तो जब इन्होंने बड़े बड़े स्वरूप देखे गुरुजी का, फिर बच्चों के साथ मेरे बेटे ने जाना शुरू करा उधर गटोरनी में बड़े मंदिर में, तो वहाँ से इसको बड़ी आस्था हो गई। तो फिर जब इसने ट्रेनिंग करी तो फिर जब जाने लगा, फिर इसकी आई साइड वीक हो गई थी, तो आई साइड से इन्होंने निकाल दिया। नेवी वाले तो रखते नहीं है थोड़ी सी भी हो। तो फिर ये दोबारा मंदिर में गया,
दोबारा इन्होंने जल प्रसाद वहाँ से ग्रहण करा खाया, तो उसके बाद ना पता नहीं उनकी आंखों में क्या हो गया, तो उससे इसका कोई चमत्कार ही हो गया, दोबारा वो सिलेक्ट हो गया। तो तब से मेरा बेटा ना इनको बहुत मानता है। अभी मेरा बेटा दुबई में है, तो साथ ही जब भी जाता है तो गुरुजी का स्वरूप का साथ ही। खुशकिस्मत समझ रहे हैं आप यहाँ पर दर्शन करने। जब से सुना है कि हमारे पड़ोस में हमारे नेबर इधर हो गया है, चमत्कार हुआ है, तो मैं बहुत मानती हूँ उनको, ऐसी बात नहीं है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरी बेटी भी बहुत मानती है, वो भी बहुत, में जब भी दिल्ली जाती है बड़े बंदर, तो वहाँ पे जल प्रसाद खा के आती है। हम बहुत मानते हैं। जम्मू में भी इनका होता है, जब 31 दिसंबर पे सत्संग होता है, कुछ भी होता है सत्संग होता है, तो वो जाती है। मैं भी अभी नए साल पे गई थी, लेकिन जम्मू में भी अब बहुत संगत इनको मानने लगी है। पहले बाहर दिल्ली से पंजाब से लोग मानते थे, लेकिन अब जम्मू से भी बहुत इनको मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी यहाँ पर दर्शनों के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ जी, दर्शन हुआ। हमने रात को सुना तो पहले बहुत दिनों से था कि शुक्राना गुरु महाराज आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन इच्छा थी बहुत दर्शन करने की। तो रात को इनका फ़ोन किया, मेरी रिश्तेदार रहते हैं इधर पास ही, उन्होंने फ़ोन दिया, तो हम उसी वक्त भागते भागते आगे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। जब आए तो आते ही देखा, तो उस वक्त ड्राफ्ट गिर रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखे ड्राफ्ट कितने हुए। 2-3 ड्राफ्ट इनके इधर पड़े हुए थे स्वरूप के ऊपर, और 2-3 नीचे पड़े हुए थे। हमने फिर हाथ लगा के देखा, मत्था देखा, और शुक्राना किया कि शुक्र है भगवान, तानो तो उसे तानो थोड़ी कृपा है, जो दुनिया को अपने दर्शन दे रही और चमत्कार दिखा रहे हैं। आप भी आए यहाँ दर्शनों के लिए? दर्शन हुए? हाँ, हो गए दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अच्छे हुए हैं दर्शन। आपने किस तरह के दर्शन होते हैं? नहीं, मैंने नहीं सुना था, अभी मैंने रास्ते में सुना, तो मैं आ गई इधर, रास्ते में सुन के आ गई थी। आपको दिखा ऐसे शायद? हाँ, चमक देखी, थोड़ी थोड़ी देखी चमक, हाँ देखी चमक, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि लास्ट मोड में घर में ये चमत्कार हो रहा है, और गुरुजी की जो संगत है वो वर्ल्ड वाइड भी हैं, हमारे पूरे देश के अंदर भी हैं। उनको भी मैं कहूँगा कि अगर उन्होंने दर्शन करने हो तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से जो अमृत वर्षा हो रही है शहद की, वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। और ये चमत्कार जो है ये घर में हो रहा है, हालांकि जिन्होंने मैडम ने बताया कि इनके घर में जब इन्होंने स्वरूप यहाँ पर लाया, तो पहले इन्होंने स्वरूप किसी को दिया, लेकिन बाद में जो है वहाँ से वो स्वरूप वापस आ गया, क्योंकि शायद उन्होंने लीला इनके घर में ही करनी थी, इसलिए वो स्वरूप वापस आ गया, और वो स्वरूप आज यहाँ पर जो है अपना पूरा उन्होंने चमत्कार दिखाया है। और आप ये देखेंगे चमत्कार, 3 जो नीचे कटोरियाँ पड़ी हैं, उन कटोरियों में जो आप देख रहे हैं ये शहद है जो इस स्वरूप में से निकल रहा है, लगातार निकल रहा है, और ये स्वरूप के अंदर जो शीशा है, शीशे के अंदर से ये जो है शहद निकल रहा है। बाहर से कोई लोग कहेंगे कि भाई बाहर से किसी ने डाला है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो आज भी हमारे धर्म के ऊपर जो है उंगलियां उठाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। अगर आप भी दर्शन करना चाहें तो आप ज़रूर आ सकते हैं। फ़िलहाल JK मीडिया के माध्यम से आप लाइव दर्शन कर रहे थे शुक्राना गुरु जी के तस्वीर से, जो अमृत वर्षा हो रही है जो शहद की। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय। आरती पूजा जिस घर में होती है, श्री रे गुरुदेव रोज आते वहां, मेरे गुरुदेव रोज आते वहां, सतगुरु इतनी ऊंची हस्ती है, सतगुरु इतनी चढ़े जाती मस्ती है, जिसके नाम से चढ़े जाती मस्ती है। ओ ऐसा मस्त बनाओ मेरे सतगुरु, ऐसा मस्त बनाओ मेरे सतगुरु, होश कभी ना आए मेरे गुरुदेव रोज आते वहां।
जया देवा, उनके चरणों में दिए को जो